हाय फ्रेंड, मेरा नाम है गोविंदा। आप देख रहे हैं जीपी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल का सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री आप किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपना यूट्यूब चैनल का सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री डिलीट करके दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद यूट्यूब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर सर्च हिस्ट्री है। सर्च हिस्ट्री में कितना सारा भी हिस्ट्री है यहाँ पे सर्च किया हुआ। इसी प्रकार आपको सबसे पहले वॉच हिस्ट्री आपको हम डिलीट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे है व्यू ऑल, व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना है। व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना है। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सब है वॉच हिस्ट्री। अगर आप वॉच हिस्ट्री एक एक कर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे थ्री डॉट का लाइन है, आपको यहाँ पे थ्री डॉट का लाइन पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से एक एक हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम वॉच हिस्ट्री है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। अगर आप ऑल हिस्ट्री आप अपने मोबाइल का डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे थ्री डॉट का लाइन है, आप वहाँ पे क्लिक करना। थ्री डॉट के लाइन पर आपको यहाँ पे है थ्री डॉट का लाइन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। थ्री डॉट के लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर वॉच हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, पूरा हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम सर्च हिस्ट्री डिलीट करके दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सर्च हिस्ट्री है, आपको सर्च हिस्ट्री डिलीट करके दिखाएंगे। यहाँ से चलिए बाइक चल देते हैं। अगर आप एक एक कर सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना। आपको यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पे रिमूव पर क्लिक कीजिएगा। तो आप देखिए दोस्तों, एक एक कर डिलीट हो रहा है। तो हमको पूरा ऑल डिलीट करना है हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लोगो दिखा दे रहा है तो आपको इसमें आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको अपने मोबाइल का सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग है तो आपको सेटिंग पर यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो आपको मैनेज ऑल हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैनेज ऑल हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। मैनेज ऑल हिस्ट्री पर आपको क्लिक करने के बाद आप अपने अनुसार जिस भी आईडी का आप डिलीट करना चाहते हैं हिस्ट्री, आपको जीमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं अपना जीमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया हूँ। चलिए दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब सर्च किया हुआ हिस्ट्री यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीट पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे है डिलीट टूडे, जितना भी एक दिन में आप देखिएगा तो यहाँ पर एक साथ एक दिन का हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट कस्टम रेंज है तो
तो डिलीट ऑल हिस्ट्री करना है तो आपको डिलीट ऑल हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। डिलीट ऑल हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे डिलीट पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, आपको मैं अब दिखाता हूँ बैक करके। तो यहाँ पे सर्च हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।